हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम आ गए हैं अपने गांव में। करीब 1.5 साल के बाद मैं अपने गांव में वापस आई हूँ। यहाँ पे आते ही कुछ अलग वाली ही फीलिंग आ रही है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ के सब चीज़ को देख के। यहाँ पे हर टाइप के पेड़ वगैरह भी हैं, खेत हैं और बहुत ज़्यादा खुली जगह है। इसीलिए सच्ची में मुझे यहाँ आके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा दिन यहाँ पे रुकूं, लेकिन मम्मी शायद ज़्यादा दिन तक नहीं रुकेगी क्योंकि अगर मेरे स्कूल ओपन हो जाएंगे जाना पड़ेगा अपने घर वापस। अभी मेरे स्कूल बंद है इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि अगर स्कूल ओपन हो जाएंगे तो क्या करूँगी, कैसे करूँगी, स्कूल तो जाना ही होगा और एग्ज़ाम्स भी आ जाएंगे, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा वापस। नहीं तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं अपने गाँव से वापस जाऊँ, क्योंकि यहाँ के हर जगह पे घूमने को मिलता है और एकदम दिल खुश हो जाता है इतनी खुली जगह हो देख के। सुबह के टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोहरा था। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए सुबह के 5:40 हो रहे हैं और इतना ज़्यादा कोहरा है कि देखिए कुछ भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। यहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। यही है मेरा गाँव। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी है कि मुझे इतने सारे स्वेटर वगैरह पहनने पड़ रहे हैं, नहीं तो मम्मी मुझे बहुत डांट रही है। और हर टाइम मैं टोपी लगा के ही बैठी रह रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि 5:40 से लेकर 7 बजे तक एकदम भी धूप नहीं हुई थी यहाँ पे, एकदम रोशनी भी नहीं थी। धूप की तो बात दूर की है, हल्की फुल्की धूप हुई, ऐसे ऐसे धूप होना स्टार्ट हुई 12 बजे से। इतने टाइम के बाद से धूप निकलना स्टार्ट हुई। और ये जो गाँव है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मज़ा एक चीज़ में और आता है, और वो है जब आग जलती है। आग जलती है तो उससे हाथ पैर सब सेका जाता है, उससे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि बट्टी चोखा कैसे बनता है गांव पे। ये देखिए ऐसे बनता है बट्टी चोखा। पहले बहुत ज़्यादा आग जलाई जाती है, उसके बाद गांव में आटा से लेके घर में सत्तू वगैरह जो भी डालना रहता है अपने टेस्ट के मुताबिक, प्याज वगैरह जो भी, वो सब डाल के बट्टी में डालते हैं और उसके बाद आग में डाल के हम लोग बट्टी को बनाते हैं गाँव में। लेकिन वही, मैं शहर में रहती थी तो शहर में मम्मी बट्टी चोखा बनाया करती थी गैस पे। और मैंने जब ये गांव वाली बट्टी चोखा खाई ना, तो एकदम मज़ा सा आ गया। इसके आग वाले बट्टी चोखा में कुछ अलग सा ही स्वाद रहता है, जो कि मुझे लगता है कि वो जो गैस पे जो बट्टी चोखा बनती है उसमें बिल्कुल भी नहीं रहता होगा, ये जो आग वाली है उसी में रहता होगा। एकदम अंधेरा था तो एकदम कुछ लग नहीं रहा था, तो इसीलिए किसी का फेस भी नहीं दिख रहा है वीडियो में क्लियर, मेरा खुद नहीं दिख रहा है। ये जो बट्टी चोखा देखने में अच्छा लग रहा है ना, उतना से ज़्यादा ये खाने में भी अच्छा है। अगर आप लोग खाएंगे ना तो बार बार उंगली चाटते चाटते खाते रह जाएंगी। एक बार ज़रूर आप लोग भी अपने गांव में जाके, या किसी के यहाँ से आपका गांव नहीं है तो मंगवा के गांव की बट्टी चोखा ज़रूर खाइएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया जब मेरे को बट्टी और चोखा मिली। मेरी फेवरेट डिश बट्टी चोखा है और मुझे खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और लेकिन ये जो मैंने गांव वाली बट्टी चोखा खाई ना, कसम से इतनी ज़्यादा टेस्टी थी कि मैं क्या बताऊँ आपको। एकदम सच में इसको देख के फिर से मन करने लगा खाने का बट्टी चोखा। लेकिन क्या करूँ, कल बनी थी रात में बट्टी चोखा जब मैं अपने गांव आई थी। और इसको बनाने के लिए बगल से स्पेशली लोग आए थे बट्टी चोखा जब मैं आ रही थी गाँव में, और मुझे पता भी नहीं था कि बट्टी चोखा गांव में बनने वाला है। इतना बड़ा सरप्राइज़ मिला मुझे गांव आके, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और आप लोग कहाँ से है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप लोग गांव से हैं या शहर से है, और आप लोग को एक्सपीरियंस है कि गांव में बट्टी चोखा कैसा लगता है। चलिए आपको मैं अपने गांव के कुछ और अजूबे चीज़ें दिखाती हूँ। इसके अंदर एक पिल्ला को बंद कर दिया गया है, ताले वाला पिल्ला हम लोग का रो रहा है। अभी देखिए अगर रोएगा। इसी के अंदर है वो बेचारा, रो रहा है। ठंडी के समय उसको बंद कर दिया गया है मेरे गांव में। रो क्यों नहीं रहा, अब रो रहा है। ध्यान से सुनने को सुनाई पड़ रहा है कि बिल्ला रो रहा है इतना तेज, उसको भी ठंडी लग रही है। कपड़ा पहने तब भी ना, इतना स्वेटर भी पहना है। उसको बाहर निकलना है, टहलना है। नहीं काट लेगा तो नीचे नहीं, नहीं अभी नहीं खुलेगा, डर लगता है।
जब आप चले जाएंगे तभी खुलेगा। नहीं कुत्ते मान अंदर जाता है। कहाँ? अंदर घुस जाता है। अंदर दौड़ने लगता है क्या? नहीं, यहाँ से दौड़ते दौड़ते अंदर जाता है, वहीं बढ़ जाता है आगे पास। अरे सच में यार, अगर मैं गांव में रहती ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता मुझे। यहाँ पे लोगों के साथ मैं खेल भी सकती हूँ, मेरी बहन है यहाँ पे खेल सकती हूँ, और भी बहुत सारे लोग अगल बगल से आते रहते हैं खेलने में। यहाँ से लेके पूरा बगीचा जितना आप देख रहे हैं, इतना पूरा बगीचा हमारा ही है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे भी खेल सकते हैं किसी भी चीज़ से। और ये जो सारे पेड़ हैं, जैसे कि जामुन के पेड़ हैं, हम लोग जामुन खा सकते हैं, आम के पेड़, गर्मी में आम खा सकते हैं, और चाहें तो करौंदा होता है खट्टा खट्टा, वो खा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अमरूद खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं। जब मन करेगा अपने बगीचे में जाओ और शौक से तोड़ के खाओ, ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को जब भी आती हूँ मैं गांव में। लेकिन ठंडी के समय कुछ भी नहीं हुआ है अभी गांव में, लेकिन आने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे किसी के साथ भी नहीं खेलो तब भी ऐसे टहल लोगे यहाँ के बगीचे में, तो अलग से ही रौनक आ जाती है गाँव के बगीचे में आके। मत छुओ जी, गंदा है, फेंक दो। हाँ। चलो पैर ऐसे करो। नहीं। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक और चीज। आप लोग ने ये तो देखा ही नहीं होगा कि मेरे गांव में एक डॉगी आया है। मुझे तो डॉगी से बहुत ज्यादा डर लगता है, और ये मुझे पहचानता भी नहीं है पहली बात, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा इससे डर लग रहा है। मैंने सबसे पूछा तो इसका नाम है शेरू। अब इसके कुछ ऐसे कारनामे देखेंगे आप कि आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये सच में एक डॉगी ऐसे कर सकता है। लीजिए देखिए। तो ये बोला हूँ, ये बोला हूँ, हूँ बोल रहा है। दीदी बिस्कुट 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 ना ना तो ना ना दोस्ती हो जाएगी। नहीं नहीं काटेगा दोस्त तो बन जाए तो काटेगा नहीं। तो देंगी तो जब तो भैया से मंगाएंगे। ऐसे बोला ना, ऐसे झुक के बोला। बोला तो ना। हाँ हाँ बोला। बड़ी मम्मी को सुसु कर रही तब अभी दौड़ा लिया था उनको। इनके लगे जा रहा, तुम इनके पास खड़ी थी ना, इसके पास जा रहा था वो, हमको काट लेता ना। ना काटे नहीं, किसी को नहीं काटता। बैठ जा, बैठ बैठ। इसका नाम क्या? इसका नाम क्या? सेरू। बहुत तेज समझने वाला। अभी बिस्कुट मंगाएंगे। बिस्कुट चाहिए? आपको देख के ऐसे कर रहा था, मतलब आपका पूरा चेहरा दिख रहा था। ठंडी है? अभी कभी नहीं कि जब तेज से भूख लग रहा है, देखा हम तेज से बोला। सीरी ला रहा है, हाँ करके। लेकिन हमको बात करेंगे ज्यादा ना दीदी, कहीं हमको कोई दौड़ा दिया? नहीं 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 नहीं, हम पास वो अपने जाने के आ रहे से आएगा, हम डरेंगे ना, ये बात कर रहे हैं। कैसे देखा तुम ही को? देख रहा है, हम ही को देख रहा है, केवल तुमको दीदी देखे ना, हम ही को देख रहा है। हाँ तुम ही को देख रहा है, घूम रहा है वो भी।
देखा था कि नया नया चेहरा दिखो तुम्हें? हमको नहीं देख रहा अब। चुप रहो। लेकिन लेकिन मेरे पास मत आना क्योंकि मुझे डर लगता है। देखा यहाँ ठंडा लगा संगी। बना दे पास्ते। नहीं नहीं काट लेगा। मोबाइल काटेगा आपका? हाँ दिख रहा है। तुम आते कुत्ता खुल गया बेटा। हम रोने लगे तो मिट्टू को बचाने लगे थे। आपको पीछे हम रो रहे थे इतना तेज तेज ना और हम गिर रहे थे तो हमको काटने आ रहे थे। मिट्टू को बचा नहीं रही थी, बुला रही थी। और क्यों खोल दी थी गेट? मना किए थे गेट खोलने को ना। इससे चढ़ जाता है, तुम लेट ही रहोगे। अच्छा बच गए हम ना, हम बच गए लेकिन हम रो के भाग गए। बहुत चढ़ा है। मिट्टू बैठी थी अब देखी नहीं ना, हम ऐसे कर लिए थे। आप बड़ी मार रही थी, देखी तुम्हारे चक्कर में आ रहा था मेरे पास। बड़ी मम्मी मार रही है, हम ऐसे कर लिए थे आपको अंदर जाने के लिए। बड़ी मम्मी मार रही थी ना, ये इसको लेके पलट गया। इसको लेके इसके ऊपर? हाँ इसके ऊपर ऐसे 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 मेरे ऊपर मेरे गोदी में चढ़ के बैठा था। बड़ी बीमारी इससे चिपका गया मेरे ऊपर और ये भी गिरी और पीड़ा भी ऐसे पलट गया। अच्छा पीड़ा वो भाग भी। बड़ी देखिए एक बार मेरे गोदी सो रहा था तो हमको लेके गिर गया था ना। पी ले पानी, पी ले। क्या कर रही है? क्या कर रही है? क्यों? पानी पीते थे। नहीं पीना उसको पानी। क्या पसवा रखेंगे ना। फॉर वॉचिंग। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए डेली।